हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम गिवन बाय द फॉलोइंग डाटा। C12 इक्वल टू 20 दिया हुआ है, C13 इक्वल टू 40, C14 इक्वल टू 10, C21 इक्वल टू 20, C23 इक्वल टू 5, C25 इक्वल टू 10, C31 इक्वल टू 4, C32 इक्वल टू 5, C34 इक्वल टू 6, C35 इक्वल टू 6, C41 इक्वल टू 10, C43 इक्वल टू 6, C45 इक्वल टू 20, C52 इक्वल टू 10, C53 इक्वल टू 6 एंड C54 इक्वल टू 20। एंड साथ ही हमारे पास दिया हुआ है, एंड इफ़ द वैल्यू ऑफ CIJ इज नॉट गिवन देन देयर इज नो रूट बिटवीन द सिटी आई एंड जे। ये हमारे पास दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें टेबल बनानी होगी। तो टेबल बनाने के लिए यहाँ पे हमें सोर्स लिखने आ रही है, फ्रॉम कहाँ कहाँ से, वन टू थ्री फोर फाइव। फ्रेंड्स फाइव यहाँ पे इसलिए लिखेंगे हाईएस्ट यहाँ 5 4, यानी कि 5 रो है हमारे पास। और कॉलम में क्या लिखते हैं, कॉलम में लिखते हैं जहाँ के लिए जाते हैं, तो टू वो है अपने पास, 1 2 3 4 फाइव हाईएस्ट 5 है इसमें भी। फ्रेंड्स यहाँ पे 3 5 हाईएस्ट है ये। तो इस तरह से हमें अब इसमें वैल्यू पुट करनी है हमें। तो C12 इक्वल टू क्या है, C12 इक्वल टू 20, तो 20। इसी तरह C13 इक्वल टू 40, 40, C14 इक्वल टू 10, और जहाँ पे नहीं है हमारे पास, C11 नहीं है और C15 नहीं है, तो वहाँ के लिए दिया गया है कि वहाँ पे कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करता। तो रूट एग्जिस्ट नहीं करता इस कंडीशन फ्रेंड्स, हम वहाँ पे जो अपनी जो कॉस्ट वैल्यू होगी उसको इन्फिनिटी मान लेंगे, इन्फिनिटी इन्फिनिटी। इसी तरह आप इसमें देखते हैं, C21 इक्वल टू 20, C23 इक्वल टू 5, C25 इक्वल टू 10, और बाकी जहाँ पे नहीं दिया हुआ है पे इन्फिनिटी हो जाएगा अपना। इसी तरह यहाँ यहाँ पे दिया हुआ है C31 इक्वल टू 4, तो यहाँ 4, C32 इक्वल टू 5 5, C34 इक्वल टू 6 C34 इक्वल टू 6, C35 इक्वल टू 6, और जहाँ पे नहीं दिया हुआ है इन्फिनिटी मान लेंगे। अब फ्रेंड्स इसी तरह यहाँ पे देखते हैं, C41 इक्वल टू 10, C43 इक्वल टू 6, C45 इक्वल टू 20, और जहाँ पे नहीं दिया हुआ है वहाँ पे हमें इन्फिनिटी ले लेना है। और अब आगे देखते हैं, C52 इक्वल टू 10, C52 इक्वल टू 10, C53 इक्वल टू 6 एंड C54 इक्वल टू 20, और जहाँ पे नहीं दिया हुआ है वहाँ पे इन्फिनिटी ले लेना है हमें। अब फ्रेंड्स हमें इसमें मिनिमम करना है इसको, तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम प्रत्येक पंक्ति जो मिनिमम एलिमेंट होगा उसको उसी रो में से घटा देंगे। जैसे इस रो में मिनिमम एलिमेंट है 10, तो 10 को इसी रो के प्रत्येक एलिमेंट में से घटा देना है। तो अब सेकंड टेबल बनाते हैं, टेबल सेकंड। वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे फ्रेंड्स 10 है, मिनिमम 10 है, तो 10 हमें माइनस करना है। तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी में से 10 माइनस करेंगे तो इन्फिनिटी माइनस 10 इक्वल टू 10 इन्फिनिटी रहेगा, तो ये इन्फिनिटी रहेगा। ये हो जाएगा अपने पास 10, ये हो जाएगा अपने पास 30, ये 0, ये इन्फिनिटी रहेगा। अब फिर इसमें देखते हैं, तो इसमें सबसे मिनिमम है ये 5 5, को माइनस करना है तो ये तो हो जाएगा 15, ये इन्फिनिटी रहेगा, ये 0 इन्फिनिटी, और ये रहेगा अपने पास 5। अब इसमें देखते हैं, तो इसमें फ्रेंड्स 4 सबसे मिनिमम है, तो 4 को माइनस करना है तो ये 0, ये 1 इन्फिनिटी 2 2। अब इस तरह इसमें 2 में देखते हैं, तो इसमें 6 मिनिमम है, तो 6 माइनस करना है तो हमें, तो इसमें माइनस करते हैं 6 माइनस करते हैं, तो उस कंडीशन में आ जाएगा यहाँ 4 इन्फिनिटी 0 इन्फिनिटी एंड 14। अब फिर इसमें देखते हैं, तो इसमें जो मिनिमम है अपने पास वो 6 है, यहाँ पे ये मिनिमम 6 है अपने पास, तो 6 माइनस करते हैं तो उस कंडीशन में आ जाएगा इन्फिनिटी 4 0 20 20 में से 6 माइनस किए तो 14 एंड 0। अब फिर ये आ गया। अब हम एवरी कॉलम देखते हैं। अब कॉलम में अगर हर कॉलम में 0 प्रेजेंट है तो हम यहाँ पे हम 0 का 0 को काटेंगे। अगर कॉलम में 0 प्रेजेंट नहीं है तो उस कंडीशन में हमें उन्हें 0 बनाना होगा। इस कॉलम में देखते हैं यहाँ 0 है, इस कॉलम में देखते हैं यहाँ 0 नहीं है। फिर इस कॉलम में 0 नहीं है तो इसका मतलब है हमारे पास हमें एक टेबल और बनानी पड़ेगी। अब फिर हम नई नई टेबल बनाते हैं, तो उस टेबल में हमें क्या करना होता है,
ये जो कॉलम है, ये कॉलम है ना, इनमें से जो मिनिमम है उसको उसी कॉलम में से घटा देना है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस कॉलम में देखते हैं तो इस कॉलम में अपने पास क्या है मिनिमम, ये 0 मिनिमम है, तो 0 को माइनस करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 0 इन्फिनिटी 15, 0 4 इन्फिनिटी। अब इसमें देखते हैं तो इसमें मिनिमम है 1 अपने पास, तो 1 माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा 9, ये इन्फिनिटी रहेगा, ये 0, ये इन्फिनिटी रहेगा, और ये आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 3। अब फिर इसको रूम में देखते हैं तो इसमें देखते हैं 0 अपने पास प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में हमें कुछ माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे 30, 0 इन्फिनिटी, 0 एंड 0 यहाँ पे। अब फोर्थ में देखते हैं तो इसमें भी 0 हमारे पास प्रेजेंट है, यहाँ पे 0 प्रेजेंट है, तो इसमें इस कंडीशन में हमें माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 0 इन्फिनिटी 2 इन्फिनिटी एंड यहाँ पे 14। अब फिर से लास्ट के कॉलम में देखते हैं, लास्ट कॉलम में देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 0 प्रेजेंट है, ये रही, तो इसमें माइनस करने की ज़रूरत नहीं, ये इन्फिनिटी एज इट इज आ जाएगा। इन्फिनिटी 5 2 14, 5 2 14 एंड 0। अब फिर से हमारा काम होता है हम यहाँ पे एंट्री करें, तो एंट्री करने के लिए हम रो वाइज एंट्री करते हैं। रो वाइज एंट्री करते हैं तो पहली रो में हम देखते हैं यहाँ पे 0 आ रहा है, तो हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। इस 0 को एंट्री करने के बाद हमने इस रो में जो भी, फिर यहाँ पे एंट्री कर दी हमने, तो इस कॉलम में और भी कोई 0 होगी तो हम उसको काट देंगे, लेकिन यहाँ पे कोई और 0 नहीं है तो उसको नहीं कटेगा। अब फिर हम इसमें देखते हैं तो इसमें हम एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं क्योंकि यहाँ इस रो में एक ही 0 है, तो एंट्री हमने कर दी। उसके बाद इस रो में जो, इस कॉलम में जो भी 0 है उनको काट देना है हमें, तो ये 0 और ये 0 कट जाएंगी। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं, अगर एक ही 0 हो तो एंट्री करेंगे, अगर डबल 0 है तो हम एंट्री नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 1 और 2 0 हो गए इस रो में, तो इसमें एंट्री नहीं कर सकते हम, तो इस रो को छोड़ के हम इसमें हम एंट्री करने की कोशिश करते हैं, तो इस रो में हमारे पास कोई 0 नहीं है क्योंकि यहाँ पे 0 हम काट चुके हैं। अब इसमें देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये 0 है, ये 0 है, पर यहाँ पे कोई हमारे पास और 0 नहीं है इस कॉलम में, तो हम नहीं काटेंगे उनको। अब फिर हम कॉलम वाइज देखते हैं, फ्रेंड्स कॉलम वाइज इसमें देखते हैं, इसमें कॉलम में एक ही 0 है, यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, और इस जो जहाँ पे एंट्री हुई है उस रो में बाकी 0s को हम काट देंगे। अब फिर इसी तरह इसमें देखते हैं तो इसमें कोई भी 0 नहीं है जो कि हमारे पास साइन नहीं की हो, इसमें देखते हैं इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब हम देखते हैं जो 0 के नंबर है वो हमारे पास हर रो में और हर कॉलम में मिलनी चाहिए, 0 जो मिलनी चाहिए वो हर रो में मिलेंगे हमें, हर कॉलम में मिलेंगी। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं तो 0 जो हमारे पास मिल रही है इस रो में, सॉरी इस कॉलम में हमारे पास 0 नहीं है, जहाँ पे हमें इस तरह साइन बॉक्स में हो हमारे पास ऐसी कोई भी 0 नहीं है। इस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें इसको आगे प्रोसीड करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इस तरह 0 को काटना होगा, जिसे मेथड कहते हैं हंगेरियन मेथड। फिर हंगेरियन मेथड से हम काटते हैं, तो 0 को इस तरह से ढकना है कि जो लाइनों का नंबर हो मिनिमम हो, उनसे हमें कनेक्ट काटना है। तो उसको काटने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इसको, इस रो को हम पहले काट देते हैं, फिर सबसे पहले हम देखते हैं अधिकतर 0 किस में मिल रही हैं, तो हम ये कर सकते हैं यहाँ पे, अगर इसको हम काट दें तो इससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें एक लाइन काटनी है, एक यहाँ पे भी काटनी है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे ये काट देते हैं, ये हमने काट दिया। अब फ्रेंड्स इसमें हमें ये 0 भी काटनी है, लेकिन ये 0 भी काटनी है, तो हम यूँ ये काटने की बजाय हम यूँ काटना पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें हम 2 0 को साथ में कॉमन ले सकते हैं, ये ले दिया हमने, 2 0 काट चुके हैं। अब फ्रेंड्स इसमें देखते हैं हम इस कॉलम में, तो यहाँ पे भी 0 है, इसमें हम इस तरह काटे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस तरह काटे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक ही लाइन हमें काटनी है, तो ये काट सकते हैं। अब फिर से हमें इस तरह काटे यूँ, ये काटे दो हमारे पास लाइन हमें लेनी होंगी, परंतु अगर यूँ काटे तो हमें एक ही लाइन लेनी पड़ेगी, तो हम इस तरह काटेंगे। अब फिर देखते हैं हमारे पास कोई भी 0 जो कि ढकी हुई नहीं हो लाइनों से, ऐसी कोई भी हमारे पास 0 प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 5 इन्फिनिटी इन्फिनिटी 5 4 इन्फिनिटी इन्फिनिटी 14 इस तरह से है। तो अब हमें आगे सॉल्व करना है, अब टेबल नंबर 3 बनाते हैं। फिर टेबल नंबर 3 बनाते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब फ्रेंड्स टेबल नंबर 4, इसमें हम क्या करते हैं,
जो जो हमारे पास जीरो से लाइनों से जो ढके हुए पॉइंट नहीं है, इनमें मिनिमम देखते हैं, जैसे 15, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी 5, 4, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी 14। तो इनमें मिनिमम क्या है? 4। 4 को हमें जो भी ढके हुए नहीं है उनमें से माइनस कर देना है, और जहाँ पे क्रॉस हो रहा है, ये जो लाइनें क्रॉस कर रही हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्रॉस कर रही है, यहाँ पे क्रॉस कर रही है, यहाँ पे कर रही है क्रॉस, वहाँ पे हमें 4 को ऐड कर देना है, और जहाँ पे लाइन सिर्फ ढकी हुई है वहाँ पे हमें कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा हमारे पास से 4। तो इस तरह से हम करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास इन्फिनी, ये तो इन्फिनिटी रहेगा फ्रेंड्स। ये भी ये ढका हुआ है लेकिन कट नहीं रहा, तो ये 9 ही रहेगा, ये क्रॉस हो रहा है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो 4 होगा वो ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 34। ये हमारे पास फ्रेंड्स सिंपली ढका हुआ है लेकिन कटा हुआ नहीं है, कहीं यहाँ से इस तरह क्रॉस नहीं है, यहाँ पे इस पे इस तरह से क्रॉस नहीं है, तो यहाँ पे 0 का 0 ही रहेगा, और ये हमारे पास इन्फिनिटी रहेगा। अब फिर इसमें देखते हैं, जैसे माइनस करना है तो ये हो जाएगा हमारे पास 11, ये इन्फिनिटी रहेगा, ये 0, ये हमारे पास इन्फिनिटी रहेगा, ये हमारे पास 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे ये सिर्फ ढका हुआ है, तो ढके हुए कंडीशन में हमें 0 उसी तरह रख देना है, ये भी 0, ये इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में से +4 करना है, लेकिन +4 करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये इन्फिनिटी रहेगा। यहाँ पे ये सिर्फ ढका हुआ है, तो 2 2। अब फिर इसमें देखते हैं, तो इसमें 4 ये हमें माइनस किया हुआ है, तो ये हमने 0 हो जाएगा, ये इन्फिनिटी रहेगा, ये हमारे पास सिर्फ ढका हुआ है, कटा हुआ नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, ये हमारे पास इन्फिनिटी रहेगा, और ये 14। अब इसमें देखते हैं, तो इसमें ये सिर्फ ढके हुए हैं जी लाइन से, कटे हुए नहीं हैं, तो ये 3, लेकिन ये यहाँ पे दोनों लाइनें क्रॉस कर रही हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 ऐड हो जाएगा उस कंडीशन, फिर यहाँ पे 14 एंड 0। अब फ्रेंड्स यही जो प्रोसेस हमने इसमें किया था, अब इसमें कर रहे हैं, इसमें हम पहले रो वाइज देखते हैं, तो रो वाइज देख रहे हैं, तो पहले इस रो में यहाँ पे 0 आती है, इस रो में हमारे पास और कोई 0 नहीं, तो ये 0 को हम घेरे के अंदर रख देंगे, बाकी जो 0 इस कॉलम में होंगे, अगर इस कॉलम में और कोई 0 होता है उसको काट देते, लेकिन इसमें कोई और 0 नहीं है तो हम नहीं काटेंगे। अब इसमें देखते हैं, तो इसमें हमारे पास इसमें पूरी रो में एक ही 0 है, तो इस रो 0 को हमने ले लिया, और इस रो में इस कॉलम में जो भी 0 है उनको हमने काट दिया। अब फिर थर्ड रो में जाते हैं, थर्ड रो में हमारे पास 2 0 हैं, तो इस कंडीशन में हम कुछ भी अप्लाई नहीं करेंगे, फोर्थ रो में पहुंच जाएंगे डायरेक्ट। तो फोर्थ रो में देखते हैं हम, यहाँ पे एक ही 0 है, क्योंकि एक 0 को हम काट चुके हैं, तो यहाँ पे ये 1 0 ये आ जाएगी, और जो ऊपर की जो इस कॉलम में जो भी 0 है उनको हम काट देंगे, तो ये कट जाएगा। अब फिर फिफ्थ रो में चलते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसमें एक ही 0 है, ये हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे इस कॉलम में और कोई 0 नहीं है, तो हम उसे नहीं काटेंगे। अब हम कॉलम वाइज चलते हैं, तो कॉलम वाइज इसमें हम कुछ एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हम 0 0 हमारे पास टिक हो चुकी है और कट चुकी है। अब इसमें देखते हैं, तो इसमें हम एक ही 0 है, इसमें एंट्री कर देंगे हम, बाकी अगर इस रो में कोई 0 होती तो उसको काट देते। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख आगे में हम चेक करें, तो हमें एंट्री सब में हो चुकी है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो हर रो में, इस रो में भी 0 0 जिस पे हमें बॉक्स में है, इस 0 में बॉक्स में 0 है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इस तरह कॉलम वाइज देखते हैं, तो इस कॉलम में भी 0 है, इस कॉलम में भी 0 है, इस कॉलम में भी 0 है, इस कॉलम में 0 है, इस कॉलम में ये 0 है। तो फिर इस कंडीशन में हमारे पास ये जो टेबल है ऑप्टिमल टेबल है, सो टेबल 3 इज ऑप्टिमल एंड ऑप्टिमल वैल्यू क्या है फ्रेंड्स हमारे पास, ये आई है C14 इक्वल टू C14, एंड सेकंड आया अपने पास C23, और थर्ड आया अपने पास C32, ये आया C41 एंड C51। अब फ्रेंड्स ऑप्टिमल वैल्यू निकालते हैं हम, ये तो ऑप्टिमल पॉइंट हो गए अपने पास, ऑप्टिमल वैल्यू वो निकालने के लिए हमें क्या है, C14 क्या है अपने पास, फिर C14 यहाँ से देखना है हमें, C14 10 यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे भी ये सारी एंट्री है हमारे पास, तो C14 क्या है अपने पास, ये रहा C14 10, तो ये हो गया, एक तो 10 हो गया, प्लस C23। अब फिर C23 क्या है अपने पास, C23 5, C23 ये रहा फ्रेंड्स 5, तो इस कंडीशन में यहाँ हो जाएगा 5, प्लस अगर अगली क्या है अपने पास C32, तो C32 देखते हैं, तो उस कंडीशन में आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास C32 5, तो C32 5। अब फ्रेंड्स अगला आया अपना C41, तो C41 देखते हैं, तो C41 हो जाएगा हमारे पास 10, तो हो जाएगा 10, प्लस
अब देखते हैं यहाँ पे जो लास्ट है C55, सॉरी C55 है ये अपने पास, तो C55 देखते हैं तो वो है अपने पास। फिर इसमें हमने एक मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे हम जो इन्फिनिटी था या C55 000 लेके चले, क्योंकि हमारे पास हमने यहाँ पे इसको इन्फिनिटी को हमने बाई मिस्टेक इसको 0 मान लिया है हमने, तो यहाँ पे हम 0 कर देते हैं, तो इस प्रॉब्लम में C55 आ जाएगा अपने पास 0, ये आ गया फ्रेंड्स। इस कंडीशन में जो अपने पास जो ऑप्टिमल वैल्यू होगी वो हम इसको सम कर देते हैं, 15 + 15 जो गए 30, जो फ्रेंड ऑप्टिमल वैल्यू होगी 30 जो कि हमारे पास ये आंसर है। थैंक यू फ्रेंड्स।